सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आओ झुककर सलाम करें उनको जिसके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। इतनी सी बात हवाओं में बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत उन्होंने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का पंचांग 26 जनवरी 2021 दिन मंगलवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 1:11 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र रात्रि 3:12 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:22 से 4:44 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1:01 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कर्क राशि। आज दवाइयों व केमिकल आधारित वस्तुओं की बिक्री में तेजी की स्थिति देखी जा सकती है। व्यापार में अच्छी बिक्री को दर्शाने वाला दिन रहेगा। आज मुनाफा वसूली करते दिखेंगे। आज व्यापारिक अधिक मुनाफा वसूली करते दिखेंगे। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारी छल चलाकी से अपने सेल्स टारगेट को पूर्ण करने में सक्षम दिखेंगे। काम सुचारू रूप से चलता दिखेगा। घर परिवार में छोटी छोटी बातों पर कुछ न कुछ कहने सुनने की स्थिति लगातार बनी रहेगी। कंधों में दर्द की शिकायत भी देखी जा सकती है, ध्यान रखें। काम में प्रतिस्पर्धा आपके तनाव का स्रोत है। कड़ी मेहनत करें और आपके प्रयासों को पुरस्कृत किया जाएगा। नए प्रशिक्षण या नया कौशल सीखने के अवसर मिलेंगे। बुद्धिमानी से खर्च करें और यात्रा के दौरान छोटे दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधान रहें। अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहें और कड़ी मेहनत करने के लिए समय शुभ है। आज आप जीवन के मार्ग को तलाशना चाहते हैं। आप आज अपने रोजाना कार्य में से कुछ फुर्सत के पल खुद के लिए निकालेंगे। जीवन में दो लोग असफल होते हैं, जो कहते हैं पर सोचते नहीं और जो सोचते हैं पर कुछ करते नहीं। आज आपके खर्चे थोड़े ज्यादा रह सकते हैं। आज कार्य क्षेत्र में काम आपके हाथ में है, उनसे आपकी साख मजबूत होगी और उन कार्यों में सफलता मिलेगी। शाम के समय धार्मिक क्रियाकलापों में समय बिताएंगी। सावधानियां। आज जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा परेशान कर सकता है। ट्रैवल करते समय अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो पूरा प्लान बना कर ही जाएं। आज आपके खर्चे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। गैर चीजों की खरीदारी करने से आज आपको बचना होगा जो कुछ काम के नहीं है। बात करते हैं लव लाइफ की। आप ना तो दुश्मनों से घबराते हैं ना बाधाओं से डरते हैं। आप मेहनत करने में विश्वास करते हैं। अपने पार्टनर को खास महसूस कराएं, इसके लिए महंगे उपहार नहीं बल्कि आपका प्यार ही काफी है। आने वाले समय में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। अब समय गंभीर होकर अपने रोमांटिक जीवन के बारे में सोचने और उस पर अमल करने का। अपने व्यस्त रोजाना जीवन से छुट्टी लेकर आराम करें। यह समय आप अपने साथी के साथ भी बिताएं ताकि आप दोनों प्यार की गर्मी से अपने बीच के मतभेद को भुला सकें। आज अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। बात करते हैं करियर की। आप आज लोगों से बातचीत करने और नेटवर्किंग में दिलचस्पी दिखाएंगे। वाद विवाद आपकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो सकता है।
यह समय अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर होने और योजनाएं बनाने का है। आपको कुछ समय अकेले बिताने की सलाह दी जाती है। भावुक होने से बचें, लेकिन अपने भावनाओं को अपने फैसलों के माध्यम से व्यक्त करें। सपने देखने और उन्हें पूरा करने से पीछे ना हटें। बात करते हैं सेहत की। आज आप अपनी स्वास्थ्य संबंधित क्रियाओं पर ध्यान देंगे। आज आप योग और ध्यान के बारे में सोचेंगे, जिससे आपका मानसिक स्तर सुधरेगा। आप ताजा खाना खाने पर ध्यान देंगे ताकि आप संतुलित आहार ले सकें। आप अपने मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे ताकि आपका मूड अच्छा बना रहे। आज आप जीवन के हर स्तर पर अच्छा महसूस करेंगे। आज का उपाय, आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।